Hello guys, once again you all are welcome to my channel IITian Explains. So basically आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक चूज़ किया है. मेरे पास काफ़ी मेल्स आए व्हाट्सएप पे, लोगों ने ये टॉपिक इस बार दिया, सर गैस लॉस से ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न को एक्सप्लेन करो, उस पर कोई वीडियो बनाओ और प्रॉब्लम्स दो. तो मैंने कोशिश की है, हमारी टीम ने कोशिश की है इस बार कि आपको ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ प्रेजेंट किया जाए, ठीक है. तो आज मेरी कोशिश होगी इस टॉपिक में आपको 100% एक्सपर्ट बना देने की. बस ऐसा नहीं है कि सर ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, सर रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, हो गया. नहीं नहीं, ये नहीं. आपको इस टॉपिक को लेके जाना है आईआईटी जेई एडवांस तक, एम्स और बेट सेट तक, मतलब आपको एक्सपर्ट होना है इस टॉपिक में. तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले जल्दी से आपको बता दूं जो हर वीडियोज में होती है. सबसे पहली बात कि आप पेन और नोटबुक लेके बैठेंगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो से निकल के आएगी आप उसको नोट करते जाएंगे, ठीक है. दूसरी बात, प्रॉब्लम सेक्शन को आप बहुत ध्यान से देखें. और इस बार हमने कोशिश की है कि प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, उन न्यूमेरिकल्स को ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है वहां पे आप जाइए, आपको सारे प्रॉब्लम्स वहां पे लिखे हुए मिल जाएंगे. जो भी प्रॉब्लम्स होंगे आप उसको बना सकते हैं, ठीक है. ओके, तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बेसिकली क्या है? देखो, इसका यूज होता है जब आपके पास डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं, उनको आइसोलेट करना है, डिफरेंट मिक्सचर के आइसोटॉप्स को अलग करना है. जैसे मान लो क्लोरीन 1735 Cl, क्लोरीन 1737 Cl, क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है बट दोनों का मास नंबर अलग अलग है, दोनों का एटॉमिक मास अलग अलग है. तो 35 और 37, अगर इन दोनों को अलग करना हो तो आप इस ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का यूज करेंगे इनको अलग करने के लिए. आपको मास गैस को डिटेक्ट करना है माइंस के अंदर तो भी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन यूज किया जाता है. आपको डिफरेंट अननोन गैसेस और गैसियस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास पता करने हैं या उनकी वेपर डेंसिटी पता करनी है तो भी आप यूज करोगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है. तो ये इसके जनरल यूजेस थे. कॉम्पिटिशन में तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे आए हैं, खासतौर पर वो ट्यूब वाला क्वेश्चन, जब आपको एक ट्यूब दिया गया है जिसका क्रॉस सेक्शन एक जैसा है और दो तरफ से दो गैसेस दी जा रही हैं और आपको बोला गया दोनों गैसेस एक दूसरे के सामने कब आएंगी, या अमोनिया HCl दे दिया गया फर्स्ट टाइम व्हाइट फ्यूम्स कब अपियर होगा, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे और भी डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आज करे जाएंगे, ठीक है. तो इस टॉपिक को एक बिल्कुल एनर्जी के साथ, एक मिशन के साथ लो आप और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में एक्सपर्ट हो जाओ. तो मैंने कोशिश की है इसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की और मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने फ्रेंड्स तक जरूर इसको शेयर करेंगे, ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन. ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को समझने से पहले आपको डिफ्यूजन इफ्यूजन दोनों में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस समझने होंगे. पहले आ जाओ डिफ्यूजन क्या है. तो बेसिकली दिस इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन व्हेन टू गैसेस कम्स क्लोजर टू इच अदर, दीज गैसेस इंटरमिक्स इच अदर एंड फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर. सो बेसिकली डिफ्यूजन इज द टेंडेंसी ऑफ गैसियस सब्सटेंस एंड इट इज मैक्सिमम इन गैसियस स्टेट एंड मॉडरेट इन लिक्विड स्टेट एंड अप्रोक्सीमेटली जीरो या नेग्लिजिबल इन सॉलिड स्टेट. तो डिफ्यूजन है क्या? दो गैसेस या मोर देन टू गैसेस जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं तो एक दूसरे में इंटरमिक्स होती हैं, मिलती हैं. और ये क्यों मिलती हैं? क्योंकि आपको पता है गैसेस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, गैस के मॉलिक्यूल्स काफी हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. दूसरी बात, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस और स्पेस आप नॉर्मल स्पेस भी बोल सकते हो बहुत ज्यादा है. तो गैसेस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में बहुत अच्छी तरीके से बहुत जल्दी मिक्स हो जाती हैं, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन. मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसियस सब्सटेंसेस विदाउट द इंफ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी और एनी एक्सटर्नल एजेंट इज नोन एज डिफ्यूजन. समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा. मान लीजिए आपके पास एक जार है, एक सिलेंडर है, एक सिलेंड्रिकल जार है, ठीक है. और दूसरा जार हमने लिया ऑपोजिट वे में और इन दोनों को एक लिड से अलग कर दिया है जिससे ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आ पाए. इनिशियली हमने क्या किया, इसके अंदर एक गैस डाल रखी है और ये गैस हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और आपको पता है हाइड्रोजन कलरलेस गैस होती है, दिस इज अ कलरलेस गैस.
दूसरे कंटेनर में सिलेंडर में आपने NO2 गैस डाल दिया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और क्यों डाला है आपने? बिकॉज दिस इज अ ब्राउन गैस, ठीक है। अब मान लो अगर मैं इस लिड को खींच लूं, अलग कर दूं, तो क्या होगा? तो बेसिकली ये जो दो सिलेंडर थे, इनके गैसियस सब्सटेंस, इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे, और इसके अंदर एक जैसा यूनिफॉर्म गैस हो जाएगा, एक मिक्सचर मिलेगा, और इसको आप कहीं से भी देखो ये ब्राउन ही होगा, ब्राउन ही होगा। तो जब हमने इस लिड को हटा दिया तो इस ये गैसियस मॉलिक्यूल्स और ये गैसियस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए और ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गए, इंटरमिक्स हो गए, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के इन्फ्लुएंस के। ये इनकी ऑन प्रॉपर्टी थी, क्यों? क्योंकि ये काफी हाई वेलोसिटी से इसके मॉलिक्यूल्स भी मूव कर रहे थे, इसके मॉलिक्यूल्स भी मूव कर रहे थे, और इनके बीच में स्पेस भी काफी ज्यादा था। तो जब मैंने लिड हटा दिया तो दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए और एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म किया, दिस इज डिफ्यूजन। बात समझ में आ रही है? सो डिफाइन आप कर सकते हो, डिफ्यूजन इज बेसिकली द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसियस सब्सटेंसेस विदाउट द इंफ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी, इसको बोला जाता है डिफ्यूजन, ठीक है। अब दूसरा जो टॉपिक आपके पास आता है, दिस इज इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या है और ये डिफ्यूजन से कैसे अलग है? पहले मैं बता दूं, ग्राम्स लॉ दोनों के लिए इक्वली वैलिड होता है, चाहे डिफ्यूजन हो या इफ्यूजन हो। बट जो चीज देखने वाली है, इफ्यूजन थोड़ा अलग है डिफ्यूजन से। किस मामले में? इफ्यूजन इज बेसिकली द एस्केप ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए वेरी टाइनी पिन होल फ्रॉम अ वेरी प्रेशराइज्ड गैसियस सिलेंडर। किसी प्रेशराइज्ड गैसियस सिलेंडर से, एक बहुत छोटे पिन होल से गैसियस सब्सटेंस का एस्केप या लीकिंग, इसको बोला जाता है इफ्यूजन। तो बेसिकली इफ्यूजन मैक्सिमम तब होती है जब बाहर का प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो या नेगेटिव में हो, मतलब वैक्यूम हो। वैक्यूम में सबसे ज्यादा इफ्यूजन और डिफ्यूजन होगा। तो फिलहाल हम वैक्यूम की बात ना करें, फिलहाल हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करें। तो इफ्यूजन क्या हो गया? किसी प्रेशराइज्ड गैसियस कंटेनर के अंदर से गैसियस सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स का लीक होना एक टाइनी होल से, इसको बोला जाता है इफ्यूजन। एग्जांपल्स क्या है? आपका टायर ट्यूब, उसमें छोटा सा पंक्चर कर दो, होल कर दो, तो उसे गैसियस सब्सटेंस लीक होने लगते हैं और सराउंडिंग में चारों तरफ फैल जाते हैं, इफ्यूज हो जाते हैं, इसको बोला जाता है इफ्यूजन। दूसरा एग्जांपल हो सकता है हमारा डीओ का। आप सबने डीओ देखा है? यस, मेरे पास भी है, मैं भी यूज करता हूँ, ब्रांड पे मत जाना, ठीक है। तो देखो, ये सिलेंडर है, हाईली प्रेशराइज्ड गैसियस सिलेंडर, इसके अंदर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल और कुछ सैलिसिलेट है, एस्टर है, तो इसकी स्मेल अच्छी होती है। अब क्या है, अगर मैं इसको प्रेस करूं तो इसमें एक छोटा सा पिन होल है जो आप देख पा रहे हो, प्रेशराइज्ड पिन होल। तो जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो क्या होगा, इसके सब्सटेंस बाहर की तरफ आएंगे, आप देख पा रहे होंगे, सब्सटेंस बाहर की तरफ निकल रहे हैं, गैसियस सब्सटेंस, दिस इज नोन एज इफ्यूजन, क्लियर है। तो किसी स्मॉल टाइनी पिन होल से गैसियस मॉलिक्यूल्स का एस्केप करना, रिलीज करना, इसको बोला जाता है इफ्यूजन। तो यहां पर प्रेशर कॉन्सेप्ट आता है जो हम डिफ्यूजन के केस में हम नहीं देख पा रहे थे, इन दोनों के केस में वैसा हमने नहीं लिया था, इक्वली प्रेशराइज्ड थे। ओके, नाउ अब आ जाते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर, ये क्या है। चलिए, बहुत अच्छे से आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आ गया होगा, अब आ जाओ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स law of diffusion, or you can say effusion. देखो, पहले मैं explain कर दूं, थॉमस ग्राम्स ने बहुत सारे experiments किए, different gas लिया उन्होंने और उनको उन्होंने diffuse और effuse करवाया different gaseous mixture में। तो उन्होंने देखा कि the rate of effusion or diffusion is inversely proportional to the square root of density of that gas. गैस की जो डेंसिटी होगी उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन की। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब होता है पर सेकेंड कितना वॉल्यूम एस्केप कर गया, कितना वॉल्यूम डिफ्यूज कर गया और इफ्यूज कर गया। बात समझ में आ रही है? उसको भी आप डिस्कस करोगे, लेकिन पहले इस लॉ को देखो। मान लो
आप ऐसे लिख सकते हो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज, मान लो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो मान लो अगर हमारे पास दो गैस हैं, सपोज मान लो गैस वन और आपके पास दूसरा गैस है गैस टू, तो इसका जो रेट होगा आर वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ डी वन। मान लो ये डेंसिटी डी वन गैसियस सब्सटेंस फर्स्ट की है, वैसे ही आप आर टू बोल सकते हो, आर टू हो जाएगा डी टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी टू। तो अगर मैं एक जनरलाइज एक्सप्रेशन लिखूं तो आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी टू अपॉन डी वन। ठीक है, ठीक है, यस yes. अब आपको पता होगा कि मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू टू इंटू वेपर डेंसिटी होता है, टू इंटू डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी को लिख सकते हो मॉलिक्यूलर मास अपॉन टू। तो इसको लिखा जा सकता है, मान लो हमने एम टू मान लिया है इस गैस टू का मॉलिक्यूलर मास और एम वन मान लिया है गैस वन का मॉलिक्यूलर मास। तो आप इसको लिख सकते हो एम टू अपॉन टू, क्योंकि यहां से आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन टू इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी, और ये हो जाएगा एम वन अपॉन टू। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एम टू अपॉन एम वन। तो यहां से आप ये रिलेशन दे सकते हो आर इज ऑल्सो इनवर्सली प्रपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो दो बातें निकल के आई इस लॉ से। फर्स्ट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ दैट गैस, और यू कैन से द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिकुलर मास ऑफ दैट गैसेस सब्सटेंस। सो ये फंडामेंटल लॉस थे। अब इसके कुछ ड्राइव लॉस पे आप आ जाओ। चूंकि आपको पता है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, देखो आपको समझना होगा इसके डेप्थ को। ऐसा नहीं कि हम कुछ फॉर्मूलाज याद कर लें और जेई हो जाए आपसे, आप आईआईटी क्रैक कर जाओ, नहीं ऐसा नहीं होना है। आपको लॉ को समझना है कि बोला क्या जा रहा है। रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन का क्या मतलब है? मान लो वन सेकेंड के अंदर कितना वॉल्यूम इस सब्सटेंस का रिलीज हुआ, दैट इज रेट ऑफ इफ्यूजन। मतलब एक सेकेंड में ये कितना वॉल्यूम रिलीज हो रहा है, इसी को बोला जाता है रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन। ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज्ड और यू कैन से डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन। मतलब पर मिनट में या पर सेकेंड में कितनी वॉल्यूम, कितना ml या कितना cc गैस डिफ्यूज और इफ्यूज हुआ, इसको बोलोगे रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो आप ऐसे लिख सकते हो रेट इज इक्वल टू v अपॉन t। अब हम बात कर लें इस गैस या सब्सटेंस फर्स्ट की, इसके लिए आप क्या लिख सकते हो? इसके लिए आप लिख सकते हो आर वन इज इक्वल टू वी वन अपॉन टी वन, और आप इस गैस टू के लिए क्या लिख सकते हो? आर टू इज इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। देख लो, रेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज और डिफ्यूज अपॉन टाइम। तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन टी, तो फर्स्ट गैस के लिए आर वन इज इक्वल टू वी वन अपॉन टी वन, और सेकेंड गैस के लिए आर टू इज इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू। चलिए अब इसको यूज करके देखें इनमें क्या होगा। देखो तो अब लिखा जा सकता है आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू, दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? वी वन अपॉन टी वन वी टू अपॉन टी टू। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो वी वन टी टू अपॉन वी टू टी वन। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पे आ जाओ, स्क्वायर रूट ऑफ डी टू अपॉन डी वन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम टू अपॉन एम वन।
ठीक है ठीक है। अब मान लो दो दो गैसियस सब्सटेंसेस दोनों को मैंने सेम टाइम के लिए यूज किया है, मतलब पर सेकेंड या पर मिनट, ठीक है, टाइम जब आपका सेम हो जाए, अगर क्वेश्चन में टी इज इक्वल टू टी टू इज इक्वल टू टी ले लो, मान लो सेम टाइम के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन है दो गैसेस, तो आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू ये टी वन टी टू इक्वल हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू डी टू अपॉन डी वन इज इक्वल टू एम टू अपॉन एम वन। तो ये हो गया बेसिकली आपका फॉर्मूला कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी एंड ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। बात समझ में आ गई? यस। अब देखो काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पे आएंगे जो इससे रिलेटेड है, और वो क्या है, देखो इसी का ड्राइव्ड फॉर्म है। कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास एक सिलेंडर है, एक इस तरह का गैसेस सिलेंडर है, और यहाँ पे दो पिन होल हैं, एक गैस इधर से आ रही है, एक गैस इधर से आ रही है। सपोज मान लो इधर से अमोनिया आ रही है, इधर से HCl आ रहा है, और आपको बोला जाएगा फर्स्ट टाइम किस जगह पे वाइट फ्यूम्स नजर आएंगे, मतलब ये गैसेस फर्स्ट टाइम एक दूसरे से कहाँ मिलेंगी। ठीक है, आपको लेंथ इस सिलेंडर का दे दिया गया होगा। तो इस केस में क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मान लो कि कोई अगर फोर्ड अ गैसियस सिलेंडर, फोर्ड अ सिलेंडर, मान लो सिलेंडर इसका रेडियस आर है, चूंकि इसका रेडियस आर होगा, मान लो इसका रेडियस आर है, ठीक है, और अगर मान लो ये कुछ लेंथ इधर से इधर कुछ लेंथ होगा और इधर से इधर भी कुछ लेंथ होगा, तो लेंथ के रिस्पेक्ट में आप ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को कैसे दोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो मान लेते हैं इसका रेडियस आर है, तो क्या मैं V1 को ऐसे लिख सकता हूँ, V1 अपॉन V2 को 2 पाई R L1, मान लो लेंथ होगा कुछ यहाँ से यहाँ तक डिफ्यूज हुआ, तो मान लो ये लेंथ L1 है, ये लेंथ मान लो L2 है, तो 2 पाई R L1, इतना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, ये हो जाएगा 2 पाई R L2 इज अगेन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D2 अपॉन D1 और स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। तो 2πr कैंसिल हो गया, आपके पास इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए एक शॉर्टकट निकल के आया, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1। बात समझ में आ रही है? तो आप इस तरह के सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम में जहां लेंथ का यूज किया गया होगा, तो मैंने लेंथ के साथ आपको एक रिलेशन दे दिया, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी टू अपॉन डी वन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम टू अपॉन एम वन। तो ये लेंथ के रिस्पेक्ट में काफी इंपॉर्टेंट ड्राइव फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्सेंट्रेट होकर इस चीजों को देखिए, कि ऐसा देखिए कि आपके दिमाग में बिल्कुल ये बैठ जाए, कैसा भी प्रॉब्लम हो सॉल्व होना चाहिए आपसे प्रॉब्लम। तो लेंथ के रिस्पेक्ट में हमने बात कर ली, चलिए थोड़ा एवोगाड्रो लॉ को अंदर करके देखें। हर एक चीज सोचो, कोई भी ऐसी चीज ना हो जो आपने नहीं सोचा है। मान लो कि जो चीज आप नहीं सोच रहे हो वो किसी दूसरे स्टूडेंट ने सोच लिया होगा और वो प्रॉब्लम्स कर लेगा और आप नहीं कर पाओगे। तो जेई के लिए हर एक टॉपिक, सब टॉपिक, ड्राइव टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब एवोगाड्रोज लॉ क्या बोलता है? एवोगाड्रोज लॉ के अकॉर्डिंग आप वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो अब अगर मैं इस फॉर्मूला को अगेन लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं रेट आर वन अपॉन आर टू, वी वन को रिप्लेस किया जा सकता है एन वन से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट डिफ्यूज गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड डिफ्यूज गैस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी टू अपॉन डी वन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम टू अपॉन एम। बिल्कुल बात आपको समझ गई, समझ में आ गई होगी, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीजें आपको बता दी गई है, रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे रिलेट करेगा रिलीज वॉल्यूम से, टाइम के साथ, डेंसिटी के साथ, मॉलिकुलर मास के साथ। अगर आपको ये सिलेंडर का लेंथ दिया गया हो तो कैसे रिलेट करेगा ये लेंथ के साथ, कैसे रिलेट करेगा नंबर ऑफ मोल्स के साथ, बस इतनी सी बात यहाँ पे थी।
अब उस बात पे आते हैं जिससे 1995 जेई में क्वेश्चन आए हैं, 1997 जेई में क्वेश्चन आए हैं, वीआईटी में क्वेश्चन आए हैं, बिटसेट में क्वेश्चंस आए हैं। लास्ट एक टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन पे। क्या आपने पहले नहीं सुना है? अगर आपने पहले नहीं सुना है तो ये आपके लिए परफेक्ट वीडियो है, देखते रहिए क्या होगा। अभी अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो क्या फर्क पड़ता है, पहले आप ये जान लो प्रेशर क्या है। देखो, इफ्यूजन के केस में सिंपली प्रेशर, आप किस प्रेशर की बात करते हो? मैंने फिर से, मुझे ये लेना है, मैं इसका ऐड नहीं कर रहा हूं, डोंट वरी, ये मेरा अपना है, ठीक है। इसके अंदर कुछ मान लो प्रेशर है, सपोज मान लो इसके अंदर 2 ATM प्रेशर है, ठीक है। इसके अंदर टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल गैस या सब्सटेंस है। क्या बाहर में टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है? आंसर इज नो। तो इसका इफ्यूजन 2 प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। किस प्रेशर पे? दिस माइनस दिस प्रेशर। इसके अंदर अगर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का प्रेशर 2 ATM है और बाहर में टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या है? नहीं है, नेग्लेजेबल है। तो बाहर में इसी गैसियस सब्सटेंस का कितना प्रेशर है? जीरो। तो रेट ऑफ इफ्यूजन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट वो प्रेशर क्या है? डेल पी, डिफरेंस। मतलब 2 ATM इसके अंदर के टर्शरी ब्यूटाइल का प्रेशर और बाहर टर्शरी ब्यूटाइल है ही नहीं, एयर में टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल नहीं है, तो प्रेशर हो गया जीरो। तो इसका जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो इफ्यूजन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट मीन्स 2 माइनस 0। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो इफ्यूजन प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ना कि इसके अंदर के प्रेशर पे डिपेंड करता है। मान लो अगर मैं इसी डीओ को एक ऐसे इन्वायरमेंट में ले जाऊं, एक माइक्रो सिस्टम में ले जाऊं, जहां पे ऑलरेडी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बाहर भी हो, मान लो उसका प्रेशर 0.5 ATM है और इसके अंदर का प्रेशर 2 ATM है, तो 1.5 ATM हो जाएगा ओवरऑल प्रेशर डिफरेंस, और वो उस पर डिपेंड करेगा 1.5 ATM पे, ना कि 2 ATM पे। तो बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली ये रिजल्टेंट प्रेशर पे डिपेंड करता है। इनसाइड जो गैसियस सब्सटेंस है उसका प्रेशर, और अगर यही सब्सटेंस बाहर भी प्रेजेंट है तो उसका प्रेशर, दोनों का रिजल्टेंट ले लीजिए, उस प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इफ्यूजन। चलिए तो अब इस टॉपिक को देख लें, ये कैसे काम करेगा। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इससे कई बार क्वेश्चंस आए हैं और ये आपको सीखना है, समझना है। देखो ये क्या है, पहले हम बात कर लें इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट आपके पास था इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा रेट ऑफ इफ्यूजन पे या रेट ऑफ डिफ्यूजन पे। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, आपको अभी मैंने समझाया अभी। तो आप और क्या होता है, और अभी अभी हमने देखा है, एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो आप दोनों को मर्ज करके लिख सकते हो, आर इज प्रोपोर्शनल टू पी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ डी। तो आपके पास एक्सप्रेशन हो गया आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू पी वन अपॉन पी टू इंटू डी टू अपॉन टी वन, या आप लिख सकते हो आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू पी वन अपॉन पी टू और स्क्वायर रूट ऑफ एम टू अपॉन एम वन। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला प्रेशर के साथ वेरिएशन को दिखाता है। 97 JEE में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया था, तो फॉर्मूलाज भी आते हैं डायरेक्टली प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है। बात समझ में आ रही है? तो ये प्रेशर के साथ रिलेशन था। दूसरा देख लीजिए आप, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। तो ये भी ऑब्जर्वेशन है, प्रैक्टिकली देखा गया रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। और आपको अभी अभी मैंने बताया है कि आर इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। आप दोनों इक्वेशन को मर्ज कर दो, इसको और इसको, तो आप लिख सकते हो आर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट अंडर टी अपॉन डी। तो अब लिखा जा सकता है आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी वन अपॉन डी वन इंटू डी टू अपॉन टी टू।
बात समझ में आ गई। तो ये जो रिलेशन आपने फाइंड किया अभी अभी, देखिए टी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, सही लिखा गया है, टी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो ये हो जाएगा टी वन अपॉन टी टू, और डी का इनवर्स, यस करेक्ट है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपने देखा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी आपने देखा। रिलेशन क्या था, प्रेशर के केस में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रेशर का, और टेम्परेचर के केस में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर का। तो ये प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ इफ्यूजन पे। बात समझ में आ रही है? तो चलिए अब जो मैं बोल रहा हूँ, बस लास्ट वन मिनट आप अपनी आंखों को बंद कीजिए और जो मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। हमने क्या देखा, हमने देखा डिफ्यूजन, हमने देखा इफ्यूजन। बेसिकली क्या था, बहुत छोटा सा टॉपिक था कि जब दो गैसेस सब्सटेंस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इनके बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, इनकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो आसानी से एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंसी के। इसी को बोला गया था डिफ्यूजन। फिर क्या था इफ्यूजन, इफ्यूजन के केस में क्या था, एक छोटे पिन होल से एक प्रेशराइज गैसेस सिस्टम से गैसेस सब्सटेंस लीक कर रहे थे या रिलीज कर रहे थे एक्सटर्नल एटमोसफेयर और सराउंडिंग में, इसको बोला गया था इफ्यूजन। डिफरेंस इतना ही था, यहाँ पर एक प्रेशराइज सिस्टम था, वहाँ पे हमने ऐसे किसी सिस्टम की बात नहीं की थी। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बोल रहा था, रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब नंबर ऑफ मोल्स या बोल सकते हो वॉल्यूम्स रिलीज पर यूनिट टाइम, ये जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी का, ठीक है। फिर बात की गई थी मॉलिक्यूलर मास के टर्म में, टू इंटू वेपर डेंसिटी करके हमने रिलेट किया था, तो आर जो हो गया था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो गया था स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसेस सब्सटेंस का। नंबर ऑफ मोल्स के साथ हमने इसको रिलेट किया था, वॉल्यूम के साथ रिलेट किया, और फिर क्या आया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आया लेंथ, जहां पे हमने दिखा दिया कि v1 अपॉन v2 इज ऑल्सो इक्वल टू l1 अपॉन l2। अब आप सारे वैल्यूज पुट कर लीजिए, आप v को रिप्लेस कर सकते थे नंबर ऑफ मोल से एवोगाड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग, v1 अपॉन v2 को आप n1 अपॉन n2 भी लिख सकते हो, l1 अपॉन l2 भी लिख सकते हो गैसेस लेंथ सिलिंड्रिकल टर्म में, ठीक है। फिर आपके पास आ गया था इफेक्ट ऑफ प्रेशर और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। प्रेशर के केस में सिंपली था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर का, और टेम्परेचर के केस में क्या था स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर का। तो दोनों से हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस किए थे जो आपके सामने बोर्ड पे अभी भी हैं। इन सारी चीज़ों के साथ आप बिल्कुल लोडेड हो, आपका ब्रेन फुल्ली लोडेड है, अब न्यूमेरिकल पे आते हैं, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके अब प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं, आपको थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, और अगर आपसे अब प्रॉब्लम्स बनने लगे तो ये बहुत ही अच्छे सिंबल्स हैं, आपसे आईआईटी जेई और नीट क्रैक होने जा रहा है, गुड लक अगर प्रॉब्लम्स बनने लगे तो। और प्रॉब्लम्स मैं आपको नोट डाउन नहीं करवाऊंगा, ना ही मैं बोर्ड पे लिखूंगा, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे, सारे प्रॉब्लम्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे, क्वेश्चंस वहां पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के फर्स्ट प्रॉब्लम्स पे आते हैं, इन्होंने बोला है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 235 UF6 एंड 238 UF6 आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दो आपके पास गैस हैं UF6 235 आइसोटॉप का, और दूसरा गैस है UF6 238 आइसोटॉप का, इनका डिफ्यूजन रेशियो क्या है 1.001 सेकेंड 1.11 थर्ड 1.1251 एंड लास्ट ऑप्शन दिया है इन्होंने 1:1.25। इनमें से UF6 और UF8 का डिफ्यूजन रेट क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिकुलर मास, या आप लिख सकते हो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1, ठीक है। तो M2 अपॉन M1 की बात करेंगे आप, M2 आपके पास कितना है 238 और 235 में आपको पहले M2 निकालना होगा, तो UF6 का मास कितना हो जाएगा 238 प्लस 6 × 19, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे आपको आएगा 349, और अगर इसको आप सॉल्व करेंगे 235 प्लस 6 × 19 तो ये आपके पास आएगा 352, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है जो अभी कैलकुलेशन किया जाए, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं। तो M2 अपॉन M1 ये आपके पास हो जाएगा 352 अपॉन 349। अब देखो आप सोच रहे होगे कि सर अब इसको कैसे सॉल्व करें, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिल रहा। यस यू आर करेक्ट, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता, आप जनरल लॉजिक लगाओ। अगर आप इसको देखो, अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो
1.1 भी होने नहीं जा रहा है, 1.1 से भी नीचे होगा, आई थिंक 1.0 के बाद ही कोई डिजिट आएगा। और इतने छोटे नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये हमेशा 1.0 के बाद कुछ आएगा, मतलब 1.1 से काफ़ी छोटा होगा, क्योंकि 1.1 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 1.21 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है नहीं। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, 1.1 तो होगा नहीं ये कभी भी, क्योंकि ये 1.21 नहीं आने जा रहा, तो ये ऑप्शन कैंसिल है। 1.125 और भी ज़्यादा बड़ा, ये भी ऑप्शन कैंसिल है। इसका 1:1.25 ये तो कभी छोटा होगा नहीं, ये भी गलत है। अब बच जाता है ये ऑप्शन, ये करेक्ट होगा। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे ये 1.008 आएगा, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे 1.004 रेशियो 1 आएगा। तो नॉर्मल आप लॉजिकल साइंस लगा के भी बता सकते थे 1.0041 ही आएगा। वैसे अगर मैं आपके जगह होता तो मैं इसे सॉल्व भी नहीं करता, मैं इसे सॉल्व करता ही नहीं, क्योंकि ये गैस लाइटर है और ये गैस हैवियर गैस है, क्योंकि ये 235 का है और ये 238 का है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये लाइटर गैस है तो इसका डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, किससे, इससे। अब कितना बड़ा होगा, चूंकि इनके बीच में मास का डिफरेंस बहुत कम है, बहुत कम, तो इन दोनों के रेशियो के बीच में भी डिफरेंस बहुत कम होगा। तो सबसे कम, इतना ज़्यादा डिफरेंस हो नहीं सकता, इतना भी ज़्यादा डिफरेंस हो नहीं सकता, ये तो एक्सप्रेशन ही रॉन्ग है, क्योंकि ये पहले आना चाहिए था, क्योंकि लार्जर होगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ऑप्शन देख के भी डिसाइड कर सकते थे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, जरूरत नहीं थी सॉल्व करने की, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड आपके पास लगते, देखा और टिक कर दिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, बोला गया है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर 16 and 22, ओके। If 25 cm of CO2 diffuses out in 75 seconds, what volume of oxygen will diffuse out in 96 seconds under similar conditions? चूंकि आपको पता है कि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर पे दिया जाता है, जब आप R is इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी और मॉलिकुलर मास लिखते हो, तो टी और पी कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ पर भी बोला गया सिमिलर कंडीशन है, तो टी और पी कॉन्स्टेंट है। अब आपको क्या दिया गया है, चलो 4O2, हम दो कॉलम बना लेते हैं, 4O2 और एक ले लेते हैं 4CO2। O2 के लिए आपको डेंसिटी ऑफ O2 दी गई है, दिया गया है 16, मास ऑफ O2 हमें पता है होता है 32, टाइम ऑफ O2 जब ये डिफ्यूज हो रहा है ये है 96 सेकेंड, और वॉल्यूम ऑफ O2 नहीं पता, निकालना है। CO2 के केस में आपको दिया गया है डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 22, हमें मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पता है 12 + 32 = 44 g/mol, टाइम ऑफ CO2 इसका डिफ्यूजन टाइम दिया हुआ है 74 सेकेंड, और कितना CO2 रिलीज हो रहा है, ये रिलीज हो रहा है 24 cm³। तो अब आपसे पूछा गया वॉल्यूम कितना होगा। अब आप याद कीजिए, देखिए इन दोनों केस में टाइम अलग अलग है, 96 सेकेंड और 75 सेकेंड, तो आपका एक्सप्रेशन क्या होगा, आपका एक्सप्रेशन क्या था, V1/T1, V2/T2, ये क्या था, ये था R1 और ये क्या था R2। तो R1/R2 इज इक्वल टू V1/T1/V2/T2 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी ऑफ, हमने सेकेंड गैस लेना है क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, DCO2/DO2, ठीक है, यस। तो डेंसिटी ऑफ CO2 आपके पास कितना दिया गया है, 44 दिया गया है, डेंसिटी नहीं सॉरी 22 दिया गया है, और डेंसिटी ऑफ O2 कितना दिया गया है, 16 दिया गया है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब आप आ जाइए वॉल्यूम की बात कर लीजिए, तो ये हो जाएगा V1/T2/V2/T1। तो आपको V1 कितना दिया गया था, V1 बेसिकली हमने फर्स्ट गैस, इसको हमने 1 लिया है और इसको हमने 2 लिया है, ठीक है। तो V1 हमारे पास कितना दिया गया है, V1 हमें निकालना है, V1 नहीं दिया गया है, V1, ठीक है। T2 हमारे पास कितना दिया गया, सेकेंड टाइम 75 सेकेंड दिया गया है। V2 हमारे पास सेकेंड वॉल्यूम कितना दिया गया है, 25 दिया गया है, ठीक है। और हमारे पास T1 कितना दिया गया, T1 हमारे पास 96 सेकेंड दिया गया है, इज इक्वल टू हो जाएगा 22/16। सिंपल है, यहाँ से आप ले लीजिए 3 हो जाएगा, तो V1/96 आपके पास हो गया 3 V1/96
is equal to square root of 22 upon 16. आप यहां से भी value option का put कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप solve कर दीजिए, आपके पास V1 आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर क्यूब. आपका ऑप्शन क्या क्या था देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन था 40 सेंटीमीटर क्यूब, सेकेंड ऑप्शन था आपका 35 सेंटीमीटर क्यूब, थर्ड ऑप्शन था 37.5 सेंटीमीटर क्यूब और फोर्थ ऑप्शन था 42.5 सेंटीमीटर क्यूब. तो बेसिकली क्या किया हमने, ऑक्सीजन के लिए कुछ डेटा लिए हैं, ये ऑक्सीजन का डेटा दिया गया था आपको, ये CO2 का डेटा दिया गया था, ठीक है. हमने रेट ले लिया डिफ्यूजन का, वॉल्यूम पर टाइम दोनों गैसेस में लेके ये वैल्यूज दी गई थी, मास का जरूरत नहीं पड़ता, आप लेते तो भी इतना ही आता. हमने इसको सॉल्व कर दिया और वॉल्यूम 37.5 सेंटीमीटर क्यूब आ गया. चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को सुनिए और आप खुद बनाना चाहते हैं तो भी इसको बनाया जा सकता है. थर्ड क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 0.1 atm प्रेशर टेक्स प्लेस 38 seconds टू डिफ्यूज थ्रू ए पिन होल, ठीक है, व्हाइल 1 मोल ऑफ एन अननोन फ्लोराइड ऑफ ज़ेनॉन एट 1.6 atm टेक्स 57 seconds टू डिफ्यूज थ्रू द सेम होल, ठीक है. द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, इन डेटा का यूज करके आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला बताना है क्या होगा उस फ्लोराइड का, HCF6, HCF4, HCF2 और D है एक ऑक्सी, HCOF2. इन चार फ्लोराइड्स में आपको, चूंकि यहाँ पे फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है तो ये फ्लोराइड ही बोला जाएगा, इन चार फ्लोराइड्स में कौन सा फ्लोराइड होगा. पहले आपको दोनों का नंबर ऑफ मोल्स सेम दिया गया है, तो चलो पहले हम लिख लेते हैं फॉर N2. N2 के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं 1 मोल, आपके पास प्रेशर दिया गया है 0.8 atm, आपके पास टाइम दिया गया है 38 सेकेंड. चलिए इसका मास ले लेते हैं, मास हमारे पास M1 ले लो, मास हो गया 28 ग्राम पर मोल, ठीक है. अब आ जाओ फोर XE, मान लो ज़ेनॉन के फ्लोराइड, फॉर ज़ेनॉन फ्लोराइड, ज़ेनॉन फ्लोराइड के लिए क्या होगा, इसके लिए भी नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल ही आपके पास है, और क्या दिया है इन्होंने, प्रेशर दिया है P2, ये आपको दिया है, डबल कर दिया है 1.6 atm, और आपके पास T2 दिया गया है 57 सेकेंड. इसका M2 आपसे बोला गया है कि बताओ कितना M2 होगा. चलिए कोई बात नहीं, अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन डेंसिटी, छोड़ो यहाँ पे मास की बात की गई है तो रिप्लेस कर दो मास से, याद आया थ्योरेटिकल पार्ट में हमने आपसे डिस्कस किया था प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ मास का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सेम फॉर्मूला है. तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास हो जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1, ठीक है. चलिए अब आपके पास आ जाएगा, चूंकि यहाँ पर इन्होंने नंबर ऑफ मोल्स दिया है, तो हम एक काम करते हैं टाइम, अच्छा टाइम अलग अलग है, चलो कोई बात नहीं है. तो R1 R2 को लिखा जा सकता है V1 अपॉन T1 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1. अब V1 अपॉन T2 को रिप्लेस कर दो नंबर ऑफ मोल्स से, तो N1 T2 अपॉन N2 T1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 और हो जाएगा आपके पास M2 अपॉन M1. अब देखो चूंकि N2 दोनों के दोनों एक जैसे हैं, एक N1 N2 एक जैसे, कैंसिल कर दो तो आपके पास क्या हो गया, T2 अपॉन T1, फाइनल एक्सप्रेशन T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1. तो अब आ जाइए T2 अपॉन T1, तो T2 आपके पास 57 सेकेंड है और T1 आपके पास कितना है 38 सेकेंड है, ठीक है. प्रेशर आपके पास P1 कितना है 0.8 atm है और आपके पास P2 कितना है 1.6 atm है, ठीक है. अब आ जाइए M2 पे, M2 हमें निकालना है, नहीं पता है M2 कितना है, और M1 हमें कितना दिया गया है, M1 दिया गया है 28 ग्राम. तो चलिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये 19 में चला गया और ये 3 में चला गया, तो आपके पास हो गया स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन 28, ओके,
इज इक्वल टू 3, तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो आपका एम टू इज इक्वल टू हो गया 28 into 9। आप इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 252। अब आप एक काम करो, ज़ेनन के फ्लोराइड है, आप मान लो कि इसका फॉर्मूला एक्स ई एफ एक्स है सपोज थोड़ी देर के लिए, तो ज़ेनन का मास कितना होता है, ज़ेनन का मास होता है 131, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और मान लो एक्स इंटू 19, ये हो गया फ्लोरीन का पार्ट, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी अभी हमें एम टू निकला है 252। आपने क्या किया, बेसिकली मान लिया एक्स ई एफ टू या एक्स ई एफ फोर या एक्स ई एफ सिक्स कुछ भी हो, हमने उसके मास को ओवरऑल जो हमारा मास कैलकुलेट करके आया 252 के साथ, इसको इक्विवेलेंट कर दिया, तो x इंटू 19 इज इक्वल टू 252 माइनस 131। आप यहां से x को सॉल्व करोगे तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 6.3 तो हो नहीं सकता, एक इक्वल वैल्यू ले लो 6, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया x e f 6, तो आपका कंपाउंड है x e f 6। बात समझ में आ रही है, तो हमने प्रेशर वाले रिलेशन को यूज़ किया है, सारे डेटाज दिए गए हैं, हमने इसका यूज़ करके मास निकाल लिया 252, फिर हमने एक जनरल फार्मूला ले लिया फ्लोराइड का एक्स ई एफ एक्स, हमने इसका मास निकाल लिया, इतना हो गया 131 प्लस एक्स इंटू 19, इसको हमने इक्वल कर दिया जो मास आया था इसके साथ, इससे आपकी एक्स की वैल्यू 6.3 होगी, चूंकि ये टोटल प्योर वैल्यू आएगी या तो 2 या तो 4 या तो 5 या तो 6 या तो कुछ ऐसी, तो हमने वैल्यू 6 ले ली, तो एक्स ई एफ 6 हमारे पास करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ रही है ना, तो इसी तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, आपको डिफरेंट डेटाज यूज़ करने हैं, फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं प्रेशर के साथ और मास के साथ, और फाइनली आपको ये निकाल देना है। अरे कुछ नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए आपसे एक क्वेश्चन पे 2 से 2.5 मिनट का टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको बनाओगे ट्रस्ट मी 30 सेकंड के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगे आपसे। ये न्यूमेरिकल्स, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि न्यूमेरिकल्स, देखो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी हर एक चीज़ को चेक कर लेता है, आपके कॉन्सेप्ट को चेक करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपके कैलकुलेशन और स्पीड एक्यूरेसी को चेक करता है फिजिकल केमिस्ट्री में, और कुछ हद तक मेमोराइजिंग पावर को चेक करता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आपको केमिस्ट्री में एक्सपर्ट बनने के लिए तीनों चीज़ें चाहिए, आपका ब्रेन काफ़ी शार्प होना चाहिए, आपकी मेमोराइजिंग पावर भी काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, और आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है, तो ही आप केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, बना सकते हो करेक्टली। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कई बार ढेरों बार ये कॉम्पिटिशन में आ चुका है, ढेरों बार आज भी ये क्वेश्चन, आप छोटे जितने भी रीजनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बट मैं इसको कुछ ट्रिक से सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। बोला गया है कि स्ट्रेट ग्लास ट्यूब हैज टू इनलेट्स एक्स एंड वाई एट टू एंड्स, ठीक है, द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 200 सेंटीमीटर, HCl गैस थ्रू इनलेट एक्स एंड NH3 गैस थ्रू इनलेट वाई आर अलाउड टू एंटर द ट्यूब, ठीक है, एट द सेम लाइन, चलो ठीक है, वाइट फ्यूम्स फर्स्ट अपीयर एट अ पॉइंट पी इनसाइड द ट्यूब, द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स इज, आपको बोला गया है, पहले ऑप्शन में आपको दे दूं, फर्स्ट ऑप्शन है 81.13 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 105 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 87.15 सेंटीमीटर, और लास्ट ऑप्शन है 125 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए क्या बोला है इन्होंने, मान लो ये हमारा कोई ग्लास ट्यूब है जिसकी इन्होंने बात की है, आपने क्या किया, इस तरफ से किस गैस को डाला है, मान लो ये इनलेट एक्स है और ये इनलेट वाई है, हमने इंजेक्ट किया गैस को, इधर से हमने डाल दिया है HCl गैस को और इधर से हमने डाल दिया है किसको, अमोनिया गैस को, दोनों गैसेस एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, और इस पूरे जार की लेंथ कितनी है 200 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है कि वाइट फ्यूम्स, देखो ये इधर से चलेगा, इधर से गैस आएगा, ये भी गैस इधर से चलती हुई आ रही है, कहाँ पे वाइट फ्यूम्स आपको सबसे पहले मिलेगा, चलो हम मान लेते हैं इस पॉइंट पे वाइट फ्यूम्स सबसे पहले बनना स्टार्ट हुआ, वाइट फ्यूम्स यहाँ बननी सबसे पहले स्टार्ट हुई पी, ठीक है, चलो तो इस डिस्टेंस को मान लेते हैं डी, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 200 - d सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस 200 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो अब HCl को हम मान लो फर्स्ट गैस और इसको मान लो सेकेंड गैस, आपको आसानी होगी M1, M2, L1, L2 लेने में, जो भी हो, इसका मास हो जाएगा 1 + 35.5 = 36.5 ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर मास, और इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 14 + 3 = 17 ग्राम पर मोल, ठीक है।
अब आ जाओ रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात कर लें, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1, ठीक है। तो M2 आपके पास हो गया 17 और M1 आपके पास हो गया है 36.5। देखो हमने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को लगा दिया। अब देखो R1 अपॉन R2, देखो टाइम तो सेम है, जितने टाइम में ये गैस यहाँ पहुँच रही है उतने ही टाइम में ये भी गैस वहाँ यहाँ पहुँच रही है, मान लो 2 सेकेंड है, तो यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। चूँकि मैंने इसको नज़दीक इसलिए लिया है क्योंकि ये हैवी गैस है और ये लाइटर गैस है, तो सेम टाइम के अंदर ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा बट ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा क्योंकि उसका मॉलिकुलर मास ज़्यादा है। चलिए अब R1 अपॉन R2 को आप क्या लिख सकते हो, V1 अपॉन V2, छोड़ो यार इतना मत करो, V1 अपॉन T1 सीधा सा मेरा वाला लॉ लगा दो। मैंने क्या बोला था लेंथ के टर्म में क्या होगा L1 अपॉन L2, तो R1 इसके लिए L1 कितना हो गया, इसके लिए L1 हो गया D और इसके लिए L2 कितना हो गया 200 माइनस D इज इक्वल टू 17 अपॉन 36.5। बस अगर आप इसको सॉल्व कर दो आप देखोगे D का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 81.13 सेंटीमीटर। दो लाइन में बना दिया आपने जेई का प्रॉब्लम, क्या था बहुत आसान, सिंपल, बहुत आसान। तो आसानी से ये प्रॉब्लम्स आपके बन गए, तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो, तो 81.13 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। चलिए और कुछ प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे, बहुत ही सिंपल सिंपल प्रॉब्लम हमारे पास बच गए हैं, इनको देख लेते हैं। हमारे पास आया है, बोल रहा है कि टू बलून्स आर फिल्ड विद इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, विच बलून विल कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट इफ होल्स ऑफ सेम साइज आर मेड इन देम। आपके पास दो बलून है, एक हाइड्रोजन का बलून है और एक हीलियम का बलून है, दोनों में एक सेम साइज का आपने पिन होल कर दिया, छेद कर दिया, उसको पंक्चर्ड कर दिया, तो कौन सा बलून सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, हाइड्रोजन का, हीलियम का, या दोनों एक साथ होंगे, या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो आपको पता है कि RH2 अपॉन RHI इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ हीलियम अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, हीलियम का मास 4 होगा, हाइड्रोजन का 2 होगा, तो जो हल्की गैस होगी वो जल्दी डिफ्यूज हो जाएगी, तो जो बलून हाइड्रोजन का बना हुआ होगा वो जल्दी से डिफ्यूज हो जाएगा और हीलियम का मास ज़्यादा होता है तो उसका डिफ्यूजन या इफ्यूजन बहुत स्लो होगा, तो पहले हाइड्रोजन की बलून जल्दी पंक्चर्ड हो जाएगी, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, और हीलियम लेट से श्रिंक करेगा क्योंकि उसका मास क्या होता है, उसका मास ज़्यादा होता है। बस एक लास्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, 2 मिनट आपका और लेना चाहूँगा, लास्ट एक प्रॉब्लम हमारे पास रह गया है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम। ये सारे क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको बोला गया है कि एक थिएटर है, एक सिनेमा हॉल है, ठीक है, वो उसमें क्या है 287 रोज हैं और हर एक रो एक एक मीटर अपार्ट पे है, ठीक है, और इसमें क्या है दो गैसेस दी गई हैं, एक साइड से गैस आ रहा है लाफिंग गैस, एक सिनेमा थिएटर है और एक साइड से लाफिंग गैस आ रहा है और एक साइड से वीपिंग गैस आ रहा है, मतलब एक तरफ से हंसाने वाली गैस आ रही है और एक तरफ से रुलाने वाली गैस आ रही है, तो किस रो में बैठा हुआ व्यूअर जो मूवी देख रहा है एट अ सेम टाइम हंसेगा भी और रोएगा भी, मतलब लाफ एक साथ हंसना भी है उसको और एक साथ रोना भी है। क्वेश्चन है कि सिनेमा हॉल इज इक्विडिस्टेंट 1 मीटर अपार्ट, द लेंथ ऑफ द सिनेमा हॉल इज 287। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आया होगा आपको सुन के इस क्वेश्चन को, चलिए ट्राई करके देखेंगे। बोला जा रहा है कि किस जगह पे एक साथ इंसान रोएगा भी और हंसेगा भी, वो कौन सा होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे। चलिए ये इस तरीके से आप मान लो ये सिनेमा हॉल है, इसमें ऐसे ऐसे करके 287 रोज हैं, इधर से हमने डाला है लाफिंग गैस N2O और इधर से हमने डाला है वीपिंग गैस, वीपिंग गैस रुलाने वाली गैस होती है C6H5CO CH2Cl। तो आपको बोला गया है कि कहाँ पर बैठा हुआ बंदा हंसेगा भी और रोएगा एक साथ साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों गैस कहाँ पे आके एक साथ ज्वाइंट होगी, तो चलो किसी जगह होगी, तो इसकी पूरी लेंथ हो जाएगी 287 मीटर, ठीक है पूरी लेंथ हो जाएगी। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो बंदा कहाँ पे होगा, यहाँ पे बैठा हुआ है जो एक साथ हंसेगा भी और रोएगा भी, तो चलो इस डिस्टेंस को मान लो डी और इस डिस्टेंस को मान लो 287 माइनस डी, बस प्रीवियस कोर्स में अमोनिया और HCl वाले क्वेश्चंस के जैसा इसको सॉल्व कर दो, तो इसका मास कितना हो जाएगा N2O का मास हो जाएगा, आप सॉल्व करोगे 44 और इसका मास अगर आप सॉल्व करोगे M1 मान लो, इसका मास M2 मान लो, सॉल्व करोगे 154.5 आएगा इतना मास। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 सेम फार्मूला पे सेट कर दो जिसपे हमने सेट किया था M2 अपॉन M1, तो ये हो जाएगा 154.5
अपॉन हो जाएगा 44. इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.87 और 1 का रेशियो. चलिए आ गया. अब आप सेम उसी फॉर्मूला पे इसको सेट कर दिए जिस फॉर्मूला पे इसको आपने सेट किया था. मान लीजिए ये डी है आपका, है ना, और वो 287 माइनस डी है, तो डी अपॉन 287 माइनस डी पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं. नहीं तो अगर आप निकालना चाह रहे हैं इस डी वन को इस साइड से, या आप ऐसे ही सॉल्व कर दो, इसको सिंपल ऐसे ले लो. क्या करोगे, वी वन अपॉन वी टू कर दो, 1.87:1 कर दो. इसको सॉल्व कर दो, v1 अपॉन v2 को वैसे ही सॉल्व कर दो जैसे आप टाइम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे, टाइम सेम है एक साथ. तो v1 v2 को लेंथ में ले लो तो ये हो जाएगा d, ये हो जाएगा 287 माइनस d इज इक्वल टू 1.87 अपॉन 1. आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास d का वैल्यू आएगा 187th रो फ्रॉम किधर से, फ्रॉम N2O से. सेम क्वेश्चन है अमोनिया HCl वाला. तो 187 रो इस साइड से 187 रो पे जो बैठा हुआ इंसान होगा वहां तक जब N2O पहुंचेगी और सेम टाइम पे वीपिंग गैस भी पहुंचेगी, तो यहाँ पे जो इंसान बैठा हुआ है वो एट ए टाइम क्या होगा, हंसेगा भी और एट ए टाइम रोएगा भी. मतलब वो हैप्पी भी रहेगा और सैड भी रहेगा. हंसना भी है उसको, रोना भी है. तो 187 अगर इस साइड से है तो इस साइड से वो कौन सा होगा, 100. तो 100th रो फ्रॉम C6H5COCl. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. एक ये थिएटर था, 287 रोज थे, इधर से आई थी लाफिंग गैस, इधर से आई थी वीपिंग गैस. तो बोला गया था किस रो का इंसान साइमल्टेनियसली लाफिंग और वीपिंग एक साथ करेगा. तो 187th रो N2O साइड से और इस तरह से 100 रो. ये सारे क्वेश्चंस विद ऑप्शंस के साथ, ये मोर देन वन करेक्ट था, ये दोनों ऑप्शंस थे, ए और बी दोनों करेक्ट होंगे. तो बेसिकली आपको बहुत अच्छे से प्रॉब्लम समझ में आ गया. हमने प्रॉब्लम्स किया इस पूरे टॉपिक्स को, कि आपको उम्मीद करता हूँ बहुत मज़ा आया होगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा. हमने हर तरह के क्वेश्चंस किए, तो हमने थ्योरेटिकल पार्ट को बहुत अच्छे से देखा, प्रॉब्लम वाले पार्ट को बहुत अच्छे से देखा. बहुत मज़ा आपको आया होगा, बहुत अच्छे से सीखे होंगे. आपको ये वीडियोस बहुत पसंद आ रहा है यस. तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स तक इसे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए. फेसबुक पे इसको आप शेयर कीजिए, हमारा फेसबुक पेज है उसको भी आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए. फुल लेक्चर है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का. बहुत हमने कोई भी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का टॉपिक नहीं छोड़ा है, हमने सारे टॉपिक्स किए. इनके अलावा इनरिचमेंट फैक्टर्स आते हैं और भी हायर लेवल की बात होती है, बट वो मुझे नहीं लगता जेई के लिए एम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट है. कभी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, बट अगर आप इतने टॉपिक को करोगे तो जेई बिट सेट एम्स कोई भी एग्जाम जो इंडिया के अंदर होता है, जो 12th के साइंस पे बेस्ड होगा केमिस्ट्री का, उसके सारे क्वेश्चन आप कर लोगे. तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, बहुत मज़ा आया, मुझे भी बहुत मज़ा आया आपको समझाने में और आपको भी बहुत मज़ा आया होगा. चलिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. बाय.